अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू यू मेरे ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज हम लोगों ने विज़िट किया, विज़िट नहीं किया खैर, हम लोग हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, पांच लोग, उनकी गाड़ी का कोई मसला था तो हम लोग आए कि यार चलो गाड़ी ठीक करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक करोला सेंटर के नाम से एक बड़ी ज़बरदस्त दुकान, यहाँ पे आपको हर एक स्पेयर पार्ट मिलेगा, हर एक गाड़ी का स्पेयर पार्ट। आप बॉडीज़ भी देख सकते हैं कि पड़ी हुई हैं, सीट्स पड़ी हुई हैं, लाइट्स हैं। इनके पीछे गोदाम में गए तो मुझे लगा कि नहीं यार आपको भी साथ साथ विज़िट करवाना चाहिए। खैर वो बहुत ज़बरदस्त यार, ऐसा इनके पास हर चीज़ है, मैं साथ साथ आपको विज़िट करवाता हूँ। गर्मी ज़्यादा थी, साथ में ये पी रहे हैं दूध सोडा, तो इंशाल्लाह चलते हैं आपको विज़िट करवाते हैं कि इनके पास क्या कुछ है और रेट्स क्या हैं। मार्केट में सुनी सुनाई तो यही है, जिससे भी पूछें फ्लान चीज़ कहाँ से मिलेगी, करोला सेंटर से मिलेगी। फ्लान चीज़ कहाँ से मिलेगी, करोला सेंटर से मिलेगी। तो देखते हैं इनके ऑनर से मिलते हैं, इनके पास क्या कुछ है वो दिखाते हैं। सबसे पहले आपको वो दुकान जो बाहर मेन रोड पर थी वो विज़िट कराई थी, अभी इनका ये गोदाम है करोला सेंटर के नाम से। कैसे हैं भाईजान आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये हमारे जिम्मा बड़े भाई हैं इनके, उन्होंने लगाया कि यार ये वर्कशॉप है इनकी, ये उस्मान साहब की गाड़ी ठीक हो रही है साथ साथ। तो अभी पीछे इनके गोदाम की तरफ जाते हैं, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त गोदाम है। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? जहाँ ताहिर भाई, कब से ये माशाल्लाह काम कर रहे हैं आप? इससे पहले हमारे वालिद साहब थे, ठीक है, 32-33 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह, 32-33 साल से ही माशाल्लाह काम हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ये जनाब करोला सेंटर, गाड़ियाँ यहाँ भी खुली हुई हैं, ये ऊपर आप देख सकते हैं। अच्छा ये कौन सा सामान पड़ा हुआ था भाई? ये भाईजान मिक्स सामान पड़ा है, करोला का भी है, होंडा का भी है, विट्स का भी है। अच्छा ये सारे स्पेयर पार्ट यहाँ पड़े हैं या ये मखसूस है? नहीं सारे इधर भी पड़ा हुआ है, साफ स्टोर भी है, ऊपर भी है। तो कहाँ से शुरू करेंगे देखना? यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें फिर ऊपर चले जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा ये तो कोई लाइटें वाइटें लग रही हैं, 88 करोला की लाइटें हैं, जेन्युइन, वेरी गुड। और ये आगे जनाब बेहतरीन लगे पड़े हैं, ये भाईजान बैठे हुए हैं, क्या नाम है जनाब आपका? निहार भाई, इनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा यार, इनका इखलाक इतना ज़बरदस्त है। पहले 2-3 साल पहले आए थे इनके पास, खैर सीट्स वगैरह लेनी थी, लेकिन आज फिर आए, इनके इखलाक से बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह। तो आगे चलते हैं जनाब ऊपर गोदाम की तरफ, वो आपको विज़िट कराते हैं। ये पूरी जगह इनकी है माशाल्लाह, उस साइड पे देख लें। तो ये ताहिर भाई अभी साथ साथ लेके जा रहे हैं, देखते हैं सीढ़ियाँ। ओहो हो हो हो, ये तो ताहिर भाई कोई अच्छा होंडा का ये स्पेयर पार्ट। अच्छा ये साइड मेरे ख्याल में होंडा के लिए, यहाँ पर ये सारा होंडा का पड़ा हुआ है। सही हो गया, ठीक हो गया। ऊपर जो सर वो 96 करोला का पड़ा हुआ है, इससे ऊपर फ्लोर में। अच्छा ये सारा होंडा के जितने, अच्छा ये नई जो आई है होंडा ग्रेस, उसका वो है ये डिगी और ये ऑफकट रिबर्थ का। अच्छा रिबर्थ का, सिविक का, ये भी सिविक का। ये पार्ट्स वगैरह कहाँ से ताहिर भाई, मतलब आप खुद कहीं ना कहीं से लॉट से उठाते हैं, क्या होता है? भाईजान ये मेरा भाई है, वो जापान में होता है, एक भाई दुबई में होता है। सही माशाल्लाह, वो वहाँ पे चलती हुई गाड़ी लेते हैं, ठीक हो गया, फिर वो पीस में काट के इधर ले आते हैं। सही 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 सही, तो माशाल्लाह यार आप इस चीज को देखें कि हर एक गाड़ी की लाइट आपको यहाँ से मिलेगी, हर एक गाड़ी का हर एक पार्ट आपको मिल जाएगा। ये माशाल्लाह से करोला सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जब विज़िट किया तब भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह था और अब भी। अच्छा ये भी सारे होंडा का ही पड़ा, ये सामने एक विट्स का है मेरे ख्याल में। अच्छा ये तो वो भी पड़े हुए हैं, दरवाजे वगैरह भी पड़े हुए हैं। अच्छा ये मोटर गार्ड हो गए ये सारे इस साइड पे। अच्छा ये सीट्स वगैरह भी, लाइट्स ऑन कर सकते हैं ताहिर भाई? ज़बरदस्त यार ताहिर भाई माशाल्लाह से। अच्छा ये वैसे ये तो बात सच है कि 86 करोला के लोग बहुत शौकीन हैं, तो ये देखें जनाब 86 करोला के हवाले से इसकी सारे। अच्छा ये हाफ कट पड़ा हुआ है, ठीक हो गया, दरवाजे वरवाजे पड़े हुए हैं। ये सीट्स किसी भी गाड़ी को लग जाती हैं या मुख्तलिफ हैं? अच्छा ये कुछ मुझे प्राइस का भी आइडिया दे देंगे कि
चीजें हैं मुख्तलिफ रेट है। अच्छा, ये आइडिया एक दे दें कि इसका क्या? ये ज्यादातर छोटी सीटें हैं, ये ठीक है, छोटी गाड़ियों में लगाते हैं। मतलब कौन कौन सी गाड़ी की? मेहरान हो गया, ठीक हो गया, कल्टस हो गया, ठीक हो गया, यानी अल्टो हो गया, ठीक हो गया। तो इसकी क्या प्राइस होगी, कोई आइडिया दे दें? वजन पुराना लेके 25,000 रुपए से शुरू होते हैं। पुराना लेके? अच्छा, इनके पास ये भी है कि जी आप पुराना इनको दे दें और नया अपनी गाड़ी में लगवा लें। अब वो पुराना आप घर लेके जाना चाह रहे हैं तब भी कोई मसला नहीं है, इनको देना चाह रहे हैं तब भी कोई मसला नहीं है। 25,000 से स्टार्ट होता है तरबी, फिर कहाँ तक है? ये है तकरीबन 40-45 तक है। 40-45 तक है उस सूरत में, छोटी गाड़ी में, उस सूरत में के आप अपनी गाड़ी की सीट्स इनको दे के जाएंगे और यहाँ से आप नई कोई भी परचेज कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज तो यार माशाल्लाह तरबी ये बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। चलें जी, देखते हैं दूसरी जगह जाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है, फिर इंशाल्लाह विज़िट करवाते हैं आपको। ये बाहर भी इन्हीं का ही ये सारा सामान लगा हुआ है, आप देख सकते हैं प्रॉपर। ये ऊपर तक ये माशाल्लाह बिल्डिंग है और ये जितने भी फ्लोर हैं ये ग्राउंड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड छत तक माशाल्लाह से सामान है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनका दूसरा गैरेज है, इसका भी आपको टूर करवाते हैं। तैर भाई एक काम से गए हैं, तैर भाई ज़रा वापस आ जाएँ तो आपको इसका भी बताते हैं इसमें क्या कुछ है। कुछ कह रहे थे इंजन वगैरह सारे पड़े हुए हैं, तो वो भी खैर इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनसे कि इंजन वगैरह के क्या रेट्स हैं और क्या कुछ है। वो एक साथ अपने साथ एक और बंदे को लेके आ रहे हैं तो फिर उनसे पूछते हैं कि यार माशाल्लाह से आपको एक ही छत के नीचे से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़। इन्होंने इस तरह काम को बनाया ना कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़। ये इस गोदाम में ताहिर भाई के साथ साथ ये क्या नाम है जनाब? सफीउल्लाह भाई। ये माशाल्लाह से सारे कज़न हैं, अबाऊ अजदाद से चलता आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर अब ये उनके बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह संभाल लिया। ताहिर भाई ये इंजन के बारे में कुछ बता सकते हैं जनाब? भजन ये गारंटी के, ठीक हो गया, ये भी गारंटी के, ठीक हो गया। अच्छा, इनकी प्राइजेस कुछ आइडिया दे दे सिर्फ कि चले वैसे, ठीक हो गया। 3-4 लाख से शुरू होते हैं, 3-4 लाख से स्टार्टिंग है। हाँ। तो फिर आगे चलते जाएं रेट बढ़ जाते हैं। हाँ। सही लेंगे उतना। अच्छा, इसमें क्वालिटीज भी हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, और ये तायर भाई? ये 15 करोड़ को लग जाते हैं, 12 करोड़। सही हो, मतलब ये सारे इंजन वगैरह जितने भी हैं मुख्तलिफ गाड़ियों के पड़े हुए हैं, ये इम्पोर्ट करते हैं आप लोग या इनका क्या होता है? करते हैं, भाई होते हैं वो जापान होता है और एक भाई दुबई में होता है। अच्छा, ये मतलब वही भेजते हैं तो फिर आगे ये यहाँ पे ये करते हैं? अच्छा, ये वो जो स्पोर्ट्स वाले करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये स्पोर्ट्स के लिए है? सही हो गया, इंडस करोला में, इंडस करोला में। अच्छा, ये स्पोर्ट के लिए ये यूज किया जाता है? वेरी गुड। अच्छा, और ये ऊपर भी नहीं मेरे हाल में इंजन के? इंजन के पार्ट। अच्छा, ये इंजन के पार्ट के लिए आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे है। ओ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी लगे हुए हैं जनाब, सीसीटीवी भी लगा हुआ है। ये क्या पड़ा हुआ है, ये कौन सी गाड़ी? ये भी मेरे हाल में टोयोटा का ही है। ये 88 करोला का है। 88 करोला का है। इसको क्या कहते हैं इस एरिया को? ये पश्तो में तो हम और कुछ कहते हैं, पश्तो में आप बोल दें, मसला नहीं है। खेटा खेटा, ये जनाब इनके पास वो फेटा भी पड़ा हुआ है। अब वल्लो आलम, नीचे कह रहे थे ताहिर भाई के बेसमेंट में भी माशाल्लाह से इंजन की तादाद इससे ज़्यादा है, तो ऐसे ऐसे चलते हैं बेसमेंट की तरफ, वो देखते हैं कि यार है क्या। ओ हो हो हो, अच्छा ये तो नीचे तो और भी हालात गर्म चल रहे हैं जनाब। अच्छा, ये सारी चीज़ें? अच्छा अच्छा अच्छा, ये सारे इंजन मतलब यहाँ पे भी हैं? जी, ये अच्छा, सारे करोला के हैं, गेट्स के हैं। ठीक हो गया। इंजन मतलब करोला से लेकर, ये माजरत आपकी बात काट रहा हूँ तारे, तारे ये क्या है, ये भी कोई इंजन के हिस्सा है? जी जी, ये गियर वगैरह। अच्छा, ये गियर वगैरह के लिए? अच्छा, ये इंजन से अलग पड़े हुए हैं? अगर फॉर एग्जांपल किसी का पूरा इंजन नहीं चाहिए, गियर वगैरह चाहिए? चाहिए, फिर गियर भी मिल जाएगा, ऑटो हो, मैनुअल हो, जो भी हो। अच्छा 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 अच्छा, इनकी प्राइजेस और उनकी प्राइजेस में ये कोई बहुत बड़ा इंजन लग रहा है तार भाई। सही हो गया। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें देखें, आपको हर एक चीज माशाल्लाह से
आपके जब स्टार्ट किया था भाई इसको यहाँ पे खत्म भी करते हैं, जब माशाल्लाह आप लोगों ने ये स्टार्ट किया तो कितना वाले साहब ने, ये बिल्डिंग भी माशाल्लाह आप लोगों की अपनी है, ये रेंट पे है? नहीं नहीं, हमारी जितनी प्रॉपर्टी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी था। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने लोग यहाँ पे, आप कजन्स वगैरह कितने हैं और वर्कर कितने हैं, कुछ बता सकते हैं? वर्कर ज्यादा हम नहीं रखते, हम ज्यादातर अपने ही है, वर्कर 3-4 वर्कर है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, वर्कर नहीं रखते, सारे कजन। कितने मैक्सिमम, कितना इसको हैंडल करने के लिए बहुत से लोगों की चाहिए? बिल्कुल सर, 10-12 बंदे हैं। अच्छा, 10-12 फैमिली मेंबर हैं जो इसको अलग तरीके से वो कर रहे हैं। अच्छा, ये इसकी लोकेशन भी बता दें कि आपकी दुकान की लोकेशन, नाम और ये भी बता दें जी। ये चा सुल्तान गिलास फैक्ट्री रावलपिंडी। ठीक हो गया। दुकान का पूरा नाम जनाब? करोला सेंटर। करोला सेंटर। आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर एक चीज, गाड़ी का कोई भी स्पेयर पार्ट है, गाड़ी की कोई चीज है, बॉडी के हवाले से, लाइट्स के हवाले से, किसी किस्म की कोई चीज भी है, आपको एक छत के नीचे से मिल जाती है। हम आखिरकार अभी वो दुकानों वाला रिवाज खत्म हो गया है, मार्ट आ गए हैं कि एक ही छत के नीचे जाते हैं, क्यों तार भी ऐसा ही है, अभी वो एक छत के नीचे जाते हैं, ट्रॉली लेते हैं, सारी चीजें बीच में डालते हैं और निकल जाते हैं। हम लोग गाड़ी आए, पहले घूम रहे थे, नहीं समझ आई, एक जगह पे आए हैं, यहीं पे एसी का काम भी हो रहा है, यहीं पे एबीएस का भी काम हो रहा है, और एक दो छोटे मोटे काम थे वहीं पे, भाईजान ने कहा है कि यार आप यहीं पे रुकें, यहीं पे बैठें, बंदे आपके पास खुद आएंगे, हम काम करवा के देंगे। और वो हो, अच्छा ये लिफ्ट के लिए प्रॉपर एक जगह बनाई हुई, सही हो गया। ऊपर उसके तो 3 फ्लोर हैं, तो इसके कितने? इस फ्लोर पे। अच्छा, इस फ्लोर नहीं, वैसे कितने फ्लोर हैं इस बिल्डिंग के? अच्छा, ये 5 फ्लोर है, और वो भी 5 फ्लोर है, उसमें भी, उसमें बड़ा वो लगा हुआ है, लिफ्ट बड़ी लगी हुई है, लिफ्ट बड़ा लगा हुआ है। ठीक है, इंजन वगैरह होते हैं इसके ऊपर ले आते हैं, फिर ये आगे पीछे करके इधर ऊपर लगा। अच्छा, ये एक ट्रॉली का पूरा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ यार, माशाल्लाह। हम बात कर रहे थे कि मार्ट के अंदर आप जैसे जाते हैं तो सारी चीजें एक यहाँ पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी, हर एक चीज मिल जाएगी। और जब भी आए तो ताहिर भाई से मुलाकात करें, इस वीडियो का जिक्र करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा होगा आपको वीडियो देख के, और मुझे तो इन लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा है। इनका इखलाक इतना अच्छा है, कारोबारी बंदा जिसे कहते हैं ना, ये जेन्युइन कारोबारी बंदे हैं हर लिहाज से। खाने के लिए हम बाहर जा रहे थे, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप खाना यहाँ खाएंगे, चाय के लिए इन्होंने कहा जी चाय भी यहीं है, हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, इनके वालदैन ने इन पे जाहिर सी बात है मेहनत की है, इनके खानदान का असर है। अल्लाह पाक इन लोगों को तरक्की दे, अल्लाह पाक और इन लोगों के रिस्क में बरकत डाले। दुआओं से इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।